हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों हाँ गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों अगर दोस्तों आपके इंस्टाग्राम पर जो एक्टिव फ्रेंड रहते हैं या तो मांग चले कि एक्टिव स्टेटस, दोस्तों अगर ये दोनों में से आपका शो नहीं हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों। हाँ गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, इस 100% वर्क करेगा दोस्तों। और आपका जो एक्टिव स्टेटस रहता है और एक्टिव फ्रेंड रहता है वो शो होने लगेगा दोस्तों। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस मेरा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे एक प्रोफाइल का आइकन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर साइड में तीन लाइन है, यहाँ पे देख सकते तीन लाइन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में एक लिखा हुआ है सेटिंग का आइकन, आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है प्राइवेसी, यहाँ पे देखते हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है एक्टिविटी स्टेटस, यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे शो एक्टिविटी स्टेटस। अगर आपका ये ऑप्शन ऑफ रहता है तो आप इसको ऑन कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये ऑप्शन ऑन है। दोस्तों आपको ये देख लेना है अपने इंस्टाग्राम में ये जो ऑप्शन है ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑफ रहेगा तो आपको इसको ऑन कर देना है। अगर दोस्तों ऑन करने के बाद आप चेक करेंगे अगर आपका एक्टिव फ्रेंड और एक्टिव स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको फिर से यहाँ पे अपने यहाँ पे इस पेज पर आ जाना है सेटिंग वाले पर। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है हेल्प का, आपको हेल्प पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का है दोस्तों, और यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है। जो आपके इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद और आपका जो एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है एक्टिव स्टेटस का एक्टिव फ्रेंड का, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे गैलरी वाली पर क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सबमिट का एक आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। सबमिट के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको एक दो घंटे तक वेट करना पड़ेगा। एक दो घंटे बाद अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, जो आपका प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुका है दोस्तों, मैंने इसका सॉल्यूशन खुद से किया हूँ दोस्तों। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो आप में कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।